यार सुने यहाँ कल कोई हादसा हो गया। हादसा तो हुआ है भैया, अब जितने मुंह उतनी बातें। शक्कर कितनी डालें? दो चम्मच बस, कुछ दो मिनट। ए फटाफट दो चाय ऊपर पहुंचा सर, बस आगे। सर आ गए आप, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुआ कैसे? अरे सर बैठ के बात करते ना, आइए आइए बैठे सर, आइए आइए। देखो मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है, मुझे बताएगा क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो कुछ माल कच्चा था और मलबा पड़ा हुआ था। कंस्ट्रक्शन की साइट पर मलबा ही पड़ा होता है, तुम्हारे या मेरे घर में नहीं। ये बेवकूफी भरी बातें करने के लिए मैंने तेरे को ठेकेदारी नहीं दी थी। आगे बोल क्या हुआ था। बस वहीं से पैर फिसला और न जाने कैसे मौत हो गई। जितनी आसानी से तुम सारी बातें बता रहे हो ना, उतनी आसानी की ये बात है नहीं। साइट पर मौत हुई है, मेरी साइट पर। मार्केट में नाम बनाना पता कितना मुश्किल होता है, सारा पैसा डूब जाएगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है? मेरे घर वाले बदनाम होंगे मेरे साथ साथ, और मीडिया में बात पता चली तो कितने लोग थे जब ये हुआ? सर वो रक्षाबंधन का दिन था तो लगभग सारे मजदूर छुट्टी पर थे, आए थे यही कुछ 3-4। मगर हाँ मैंने आपका काम रुकने नहीं दिया। देखो हवा में बातें करना बंद करो, कितने लोग थे, 3 या 4? 3 लोग थे साहब। 3 लोग थे। रजिस्टर कहाँ है? रोज एंट्री होती है ना, दिखा जरा। ये लो सर रजिस्टर। ये क्या है, पिछले हफ्ते की भी एंट्री नहीं है इसमें। कौन आया कौन गया, क्या ठेकेदारी तुम्हारी है? सर मैं देखता हूं सब यहां पे, मेरे निगरानी में होता है सब कुछ, बस एंट्री करना रह गया था। तुम देखते हो, जब भी तो एक साइट पर मौत हुई है। सर मैं होता तो मतलब तुम हादसे वाले दिन यहां नहीं थे, कहां थे तुम? सर मैं आया था, मैं यहीं पर था, खुद सारा काम करवा रहा था, मगर फिर अचानक घर से काम आ गया और मुझे जाना पड़ा। मगर मैं उन तीनों को अपना काम बता कर गया था। मैं आया था शाम को लेकिन तब तक तो हादसा ही हो गया। अच्छा 3 जने थे, एक की मौत हुई, 2 जने थे ना वो मदद कर सकते थे ना उसकी? सर एक आदमी लंच पे गया हुआ था। वाह, एक लंच पे गया था, एक तो था ना, बुला जरा उसको। मैंने कहा बुला उसको। राजू इधर आओ, साहब बुला रहे हैं। ये क्या है, बच्चों से मजदूरी करवा रहे हो तुम? ऐसे मजदूर लाते हो तुम? बेटा क्या हुआ था उस दिन? ए राजू फटाफट मसाला तैयार कर, हम जा रहे ऊपर छज्जा पर ईटा लगाने।
बस वहां से दीदी गिर गई। क्या बोले तुम? दीदी एक औरत थी जिसकी मौत हुई। राजू तू जा यहां से। ये सब क्या है? बच्चे औरतें ही मिलते तुम्हें मजदूरी के लिए, ऐसे खत्म होगी मेरी साइड 3 महीने के अंदर? और मजदूर घास खाने गए हैं क्या? कैसे ठेकेदार हो तुम यार? और ये मैं क्या सुन रहा हूं? माल कच्चा था, जो पैसा मैं तुम्हें देता हूं उससे क्या करते हो तुम? ये मजदूर लाते हो? सारा पैसा डाल लो अपनी जेब में तुम। ओ साहब एक मिनट। अरे सामान घटिया हो जनाब, या अच्छा भिजवाते तो आप ही हो ना, और पैसे मेरे जेब में जाने के लिए पैसे बचने भी तो चाहिए। जितना पैसा आप देते हो उतने में मजदूरों की सुरक्षा का सामान आज तक नहीं आ पाया। अरे हरे वाले जाले बोले थे मंगवाने को, कहाँ है? और हेलमेटें बोली थी मजदूरों के लिए, कहाँ है वो सब? अरे जितना आप देते हो ना पैसे उतने में 2 मजदूरों की दिहाड़ी निकल जाएगी। अच्छे और माहिर मजदूर चाहिए इनको। अरे खर्चा करो जनाब, खर्चा करो, रोकड़ा लगेगा। सुनो ये बकवास मत करो, मौत तुम्हारी ठेकेदारी में हुई है और जिम्मेदार भी तुम हो। ओ जनाब मेरी जिम्मेदारी? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे पैसे आप कम देते हो, मैं जानता हूं कैसे लाता हूं मजदूरी के लिए इतने कम पैसों में मजदूर। और बनावटी का सारा माल आप ही भिजवाते हो ना, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सीधा आपका नाम ले दूंगा, बस मुझ पे कोई बात आई तो। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारतों पे बिना सुरक्षा के काम करेंगे तो जान को खतरा रहेगा ही, ऊपर से ये माल के अलावा। ये वक्त फंसने और फंसाने का नहीं है, अक्ल से काम लेने का है। क्या मतलब? अरे चाहते क्या हो साहब? वैसे मैंने पहले जहां ठेकेदारी की थी वहां तो इससे भी बड़ा हादसा हुआ था, पर मैंने सब संभाल लिया था। अगर आप चाहो तो मैं कुछ। नहीं, किसी को कानों खान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे साहब कुछ नहीं होगा, ऐसे न जाने रोज कितने मजदूर मरते हैं और लोगों का क्या है। अरे 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। बस उसके घर वालों को और कुछ मजदूरों का मुंह बंद करना पड़ेगा, खर्चा होगा उसके लिए साहब, रोकड़ा लगेगा। पैसे का मैं देख लूंगा, पर मामला रफा दफा होना चाहिए और कोई भूल ना हो। सारा सुरक्षा का सामान तुम लाओ अब। जी सर। अरे जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर घर जाएं, यहां का सारा काम मैं संभालूंगा बस। हाँ अच्छा सर मैं चलता हूँ, राम राम। हाँ अरे बोलो भाई बोलो। अरे आ रहा हूँ ना यार, तू बस बोतल तैयार रख, मैं बहुत अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ अब इस देश में किसी का गरीब पैदा होना पाप से कम नहीं है। गुपचुप तमाशा देखे वहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन।